देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें आपको कि आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद है। पिछले साल फरवरी 2020 से वो सीतापुर जेल में बंद है। उनके साथ उनके बेटे भी इसी जेल में बंद है। पिछले कुछ दिनों से सर्दी जुकाम की शिकायत उनको देखने को मिल रही थी, जिसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से पहले उनका गुरुवार को एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसकी शुक्रवार की रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और इस बात की बताया गया है कि आजम खान के स्वास्थ्य के लिए जो भी बेहतर सुविधा होगी वो दी जा रही है। फिलहाल आजम खान जेल में ही हैं, सीतापुर जेल में ही उनको आइसोलेशन में रखा गया है। उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की टीम लगी है। इसके साथ ही उस जेल में जो और भी कैदियों की कोविड टेस्ट हुआ है, जिसमें 13 अन्य कैदी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम आपको बता दें आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है। उनके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र और अवैध कब्जे को लेकर के लगातार योगी सरकार जो है आजम खान के ऊपर के यूनिवर्सिटी और प्रमाण पत्रों की जाँच की थी, जिसके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। उनके बाद वो जेल में बंद है। हालांकि अब उनकी स्थिति स्थिर है बताई जा रही है। जेल प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनका इलाज सही तरीके से हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सर्दी जुकाम की शिकायतें थी। जेल प्रशासन ने उनका कोविड टेस्ट कराया था, वे संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है। आजम खान रोजे का जेल में रहते हुए भी रोजा रख रहे थे, क्योंकि लेकिन उनकी तबीयत जब खराब हुई तो उन्होंने रोजा रखना भी छोड़ दिया। इलाज के मद्देनजर फिलहाल रोजा उन्होंने नहीं रखा है। सीतापुर जेल में ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी हैं, लेकिन उनकी भी जो कोविड टेस्ट हुई थी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन साथ में जो अन्य 13 कैदी उनके साथ बैरक में बंद थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल प्रशासन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जेलों से लगातार कोविड मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जेल में बंद कैदी भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी की भी जो है कोविड पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। तो लगातार जो है कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के जेल में भी अब लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में भी जेल में भी बंद कैदियों का जो है कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आजम खान पे 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात की जाए तो उस पर भी 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालाँकि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत नहीं हो पाई थी। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीमा आजम उसी जेल में बंद थी, उन्हें कुछ महीनों पहले ही जेल से जमानत मिली है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के आदेश में जेल में बंद कैदियों की भी लगातार कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कैदी भी कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं।